सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। देश की राजधानी दिल्ली में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग को लेकर कारोबारी परेशान है। ऐसे में सीलिंग के विरोध में स्थानीय कारोबारी 2 से 3 फरवरी को व्यापार बंद रखेंगे। व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने इसकी घोषणा की है। दिल्ली के व्यापारियों ने 23 जनवरी को भी बंद रखा था। कैट ने आज एक बयान में कहा कि दिल्ली के व्यापार और व्यापारियों को सीलिंग की मार से बचाने के लिए केंद्र सरकार को संसद के बजट सत्र के शुरुआत में एक विधेयक लाना चाहिए। बजट अधिवेशन 29 जनवरी को शुरू हो रहा है। कैट का दावा है कि दिल्ली के व्यापारियों को देश भर के खुदरा व्यापारी समर्थन दे रहे हैं। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, बिना किसी तरह का नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए और बिना कोई कारण बताए जिस तरह से सीलिंग की कार्रवाई है वह अमानवीय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम कानून 1957 की मूल प्रावधानों को ताक पर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली के व्यापारी इस बात से परेशान हैं कि उनकी दुकानों को सील कर दिया गया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।